मानपुर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने मानपुर NH-82 की बदर स्थिति के विरोध में मुफस्सिल मोड़ के समीप जिला प्रशासन का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल मानपुर संघर्ष मोर्चा के संयोजक राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि विगत कई वर्षों से नेशनल हाईवे 82 की स्थिति बदतर हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। विगत 3 दिनों से हो रही बारिश ने जिला प्रशासन व गया नगर निगम की पोल खोल रख दी है। नगर निगम होश में आओ, 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 जो NH-82 है, NH-82 की जर्जर स्थिति को लेकर एवं गया नगर निगम के द्वारा मानपुर के साथ सौतेलेपन का व्यवहार को लेकर आज मानपुर संघर्ष मोर्चा के द्वारा मानपुर के मुफस्सिल मोड़ पर हम लोग जिला प्रशासन का पुतला जलाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, बताना चाहते हैं कि जो आप लोग NH-82 पर जो आज हम लोग खड़े हैं, पूर्व में भी कई बार जिला प्रशासन से मांग किया गया, सैकड़ों गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती है, यहां पर घनी आबादी है, लोगों का आवाजाही इस रोड से रहता है। आज जो नारकीय स्थिति बनी हुई है उसमें NH भी उतना ही जिम्मेवार है जितना नगर निगम गया जिम्मेवार है। मित्रों, मानपुर सैकड़ों टैक्स नगर निगम को देने का काम करती है, लेकिन मानपुर की जो 7 वार्ड है, 7 वार्ड को जिस तरह से नगर निगम के द्वारा उपेक्षित करने का काम किया जाता है, ये बड़ा ही आक्रोश का विषय है। मित्रों, आपको बताना चाहते हैं कि मानपुर के कोई ऐसा वार्ड नहीं है जो आप पैदल उसमें घुसकर पूरे मोहल्ला का भ्रमण कर ले। आज पैनुड़ाही का मामला सलेमपुर पैनुड़ाही का मामला था, लगातार कई दिनों से हम मांग करते आ रहे हैं कि बिना सलेमपुर की पैनुड़ाही कर वहां ड्रेन बनवाने का काम किया जाए, लेकिन बार बार जिला प्रशासन आग्रह करने के बावजूद भी जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा कोताही बरतने का काम किया गया है, इसके विरोध में मानपुर संघर्ष मोर्चा ने आह्वान किया है कि अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। अगर लॉकडाउन देश में नहीं होता तो आज इस NH की जर्जर स्थिति को लेकर आपको बताना चाहते हैं कि वजीरगंज से मानपुर तक आप आइए, वजीरगंज से मानपुर तक NH-82 की इतनी भयावह स्थिति है कि किसी भी समय एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मित्रों, आज इस मांग के तहत आज इस पुतला दहन के माध्यम से हम जिला प्रशासन को कहने आए हैं कि अगर अविलंब आप NH-82 को अविलंब ठीक नहीं करवाते हैं और नगर निगम जो मानपुर में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, अगर नगर निगम नाले का निर्माण अविलंब नहीं करवाता है तो लॉकडाउन को तोड़ते हुए पूरे मानपुर में हम मानपुर संघर्ष मोर्चा आंदोलन को तेज करने का काम करेगा। सारे दुकानें बंद रहेगी और पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन को होगी। मित्रों, धन्यवाद।